फ्रेश लेमन जूस एंड मसाला लेमन जूस एनर्जी देता है, मोटापे को भी कम करता है, खाना पचाने में भी मदद करता है। तो आइए जानते हैं बनाने का तरीका। 6 गिलास जूस बनाएंगे। 6 पीस नींबू लिए हैं। पहले नींबू का कटिंग कर लेंगे। यदि आपको हाथ से नींबू निचोड़ना है तो आप कुछ इस तरह से 3 भाग में नींबू को कटिंग कीजिए। इस तरह आसानी से नींबू का रस निचोड़ा जा सकता है। यदि आपको नींबू जूसर से जूस निकालना है तो 2 भाग में कटिंग कीजिए। इस तरीके से 1 पीस नींबू को हम स्लाइस कटिंग कर लेंगे डेकोरेट करने के लिए, कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, अब 1 गिलास में 2 छोटे चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच से आधा नमक, 1 गिलास में 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे। ठंडा पानी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। दो चार बार चम्मच से मिला लेंगे ताकि चीनी घुल जाए। दुकान या शॉप पे बेचने के लिए आप बना रहे हैं तो शुगर सिरप या शुगर पाउडर बनाकर रखिए। नींबू स्लाइस से डेकोरेट करके ठंडा ठंडा सर्व कर देंगे। तैयार है आपका फ्रेश लेमन वाटर, मतलब शिकंजी। ये ग्लूकोज का भी काम करता है। अब बना रहे हैं मसाला लेमन जूस, मतलब मसाला शिकंजी। इसमें भी 1 गिलास में 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे। आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम काला नमक, छोटा चम्मच से 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर या जलजीरा पाउडर या चाट मसाला डालेंगे। अब ठंडा पानी डाल देंगे। आप चाहें तो गुनगुने पानी में भी बना सकते हैं। सर्दी के मौसम में, इसे गर्मी का मौसम है इसलिए हम ठंडे पानी से बना रहे हैं। दो चार बार चम्मच से मिलाकर नींबू स्लाइस से डेकोरेट करके ठंडा ठंडा सर्व कर देंगे। तैयार है मसाला शिकंजी, मतलब मसाला लेमन वाटर। सर्दी के मौसम में आप इसे गुनगुने पानी से भी बना सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। उत्तम कुकिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।